एसएम के ऊपर स्लैम करते हुए नजर आ जाएंगे। निंजा जॉट की तरफ से कुछ प्रीनेट आएंगे जरूर से, बट विल इट बी दैट मच इफेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे एक रिटालिएशन यूटिलिटीज का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। टीएसएम के बाकी प्लेयर्स जो आगे चले गए थे पोजीशन स्काउट आउट करने के लिए, उनको वापस आना पड़ेगा। निंजा के ऊपर प्रेशर रहेगा, निंजा की हेल्थ भी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है यूटिलिटीज के इस्तेमाल के अकॉर्डिंगली। टीम सोल का जो पुश है वो बेहतरीन तरीके से है, शैडो एक ऑफ गार्ड एंगल पकड़ के बैठे, बट फिलहाल की निंजा को हील करने का जो मौका है वो नहीं मिलने वाला। क्रॉस फायर में जरूर से बैठे रहेंगे, निंजा यहाँ पे कूद के पोजिशन जरूर से चेंज कर लेंगे। उनके लिए सबसे बेटर ऑप्शन यही है कि अपने जो टीममेट्स है उनकी एडीएस के कवर के सामने आ जाए। चारों तरफ से यहाँ पे सराउंड किया जाएगा, अक्षत यहाँ पे ब्लेज को डाउन करेगी एंड उसी के साथ साथ शैडो की एचपी भी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। निंजा अपने आप को हील कर चुके हैं, एक तगड़े असॉल्टर माने जाते हैं। उसका कमाल यहाँ पे दिखाने से पहले ही अक्षत के द्वारा निंजा को भी पनिश किया जाएगा। एक्वा नॉक्स बेली सवारेंगे पिक्सेल एचपी, शैडो यहाँ पे गॉब्लिन को डाउन करेंगे एंड उसके साथ साथ टीएसएम को जिस ओपनिंग की तलाश थी वो उनको मिल जाएगा। निंजा का रिवाइवल इंपॉर्टेंट रहेगा, शैडो एंड एक्वा नॉक्स आखिरी दो होप यहाँ पे टीएसएम के तरफ से बचे हुए हैं। एंड सोल दे नीड टू गेट गोब्लिन अप, वरना उनके लिए भी मुश्किल हो सकता है, बट फिलहाल के लिए अक्षत को बहुत लो एचपी में छोड़ा जाएगा। टीएसएम क्या मूव रहेगा उनका यहां से, वो जरूर से देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल, अब यहां से टीएसएम की टीम को थोड़ा सा सोच समझ कर खेलना पड़ेगा, यहां से आगे बढ़कर फाइट लेना, यानी बहुत ही ज्यादा रिस्की मूव हमें देखने को मिल सकता है। और इन्हें पता है सोल की टीम नंबर्स एडवांटेज है उनके पास, तो वो डेफिनेटली कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी यहां से बिल्ड करना चाहेंगे कि वो बाकी दो प्लेयर्स को भी एलिमिनेट कर पाए। इस वजह से सोल के कुछ प्लेयर्स की तरफ से हमें फ्लैंक देखने को मिल रहा है। निंजा जॉट जो कि नॉक थे उन्हें फिनिश किया जा चुका है। दूसरी तरफ एक्विनॉक्स को देखिए, वो गोब्लिन को डाउन कर चुके हैं, फिनिश ऑफ भी कर दिया जाएगा, बट एक्विनॉक्स के सामने कुछ और मुश्किल है। ड्रॉप शॉट लिया जाएगा, हेक्टर डाउन कर चुके हैं, बट शैडो जी उनसे काफी ज्यादा दूर हमें देखने को मिले, बट वो एक अलग ही टीम के अगेंस्ट हमें देखने